सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर के बारे में। जो हमारा चैप्टर नंबर फोर तो बहुत आसान है, ठीक है। इसमें हमें बताया गया कि ट्राइबल्स क्या होते हैं। ट्राइबल्स बताइए क्या होते हैं। ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी होते थे उनको क्या कहते हैं, ट्राइबल्स कहते हैं। डिकूज जो बेसिकली डिकूज हैं, इन्हें जैसे जो ट्राइबल्स रहते थे अंग्रेजों को बेसिकली डिकूज कहते हैं, मतलब बाहरी लोग, मतलब जितने भी बाहरी लोग रहते थे या जो लोग भी ट्राइबल्स को परेशान करते थे वो लोग उन्हें डिकू कहते थे। जैसे नहीं हमारे गांव में सबका नाम रख दिया जाए जो परेशान करता है, उसी तरीके से भी होते थे। तो कुल मिला जुला कर इस चैप्टर में बताया जाएगा कि ट्राइबल्स और डिकू में क्या क्या लड़ाइयाँ होती थी, कैसे यहाँ से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, मतलब कैसे भी आज़ादी के लिए यहाँ से बात उठी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक हमारे व्यक्ति का नाम आता जिसका नाम है बिरसा मुंडा। तो ये जो बिरसा नाम का व्यक्ति था वह कहाँ पर रहता था, वह झारखंड के जंगल में रहता था। पीपल ज्यादातर उसके बारे में बताते थे कि भैया वो जो उसके पास बहुत पावर, यानी उसे भगवान मानते थे और कहते थे कि उसे भगवान की तरह उसके पास शक्तियाँ हैं। वह कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी सामान अगर 2 केजी मतलब 2 केजी गेहूँ रहता था तो वह कहते तो वह उसे 4 केजी कर देता था, यानी डबल ट्रिपल कर देता था, ठीक है। और यह एक छोटे से मुंडा फैमिली में जन्मा था, इसलिए उसे क्या कहते थे, इसीलिए उसे बिरसा मुंडा कहते थे। तो मुंडा क्या है, उसकी जाति है, ठीक, मतलब उसकी बेसिकली क्या है, उसकी बेसिकली एक कास्ट है। तो इस चैप्टर हमें संथाल्स और ओरांस के बारे में बेसिकली बताया जाएगा। और बताया जाएगा भैया देखिए अंग्रेज लोग तो हम लोग देख ही रहे थे कि बंगाल में जैसे मतलब राजाओं को तो परेशान करते ही करते थे। अब अंग्रेजों की नज़र पड़ गई थी किस पर, अब अंग्रेजों की नज़र पड़ गई थी जंगल पे। तो जंगल पे लोग सोचते थे भैया जितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं सबको हम लोग काट काट के इंग्लैंड में ले जाकर बेचेंगे और तरह तरह के लग्जरी सामान बनाएंगे। तो कुल मिला जुला के बिजनेस के नज़रिए से ये लोग सोचते थे भैया देखिए अब तक तो हमने इन्हों गाँव पर काबू कर ही लिया था, अब ये सोचते थे भैया चलते हम जंगल के जितने भी अच्छे लकड़ियाँ हैं टिम्बर हैं सबको क्या करेंगे, सबको कब्जा कर और उसको बेचेंगे महंगे दामों पर यूरोप वूरोप में, ठीक है। कुल मिला जुला कर बिजनेस करने के लिए इन्हें कहाँ आए ये लोग, ये लोग जंगल में आए। तो हम लोग पहले बात करते थे भैया जंगल में कौन कौन रहता था, तो सबसे पहले जंगल में रहते थे ट्राइबल्स, और ट्राइबल्स भी 2 तरह के थे। पहला ऐसे कुछ ट्राइबल्स जो झूम खेती करते थे, यानी झूम कल्टीवेशन देखिए बेसिकली होता क्या था, मान लीजिए कोई कबीले के लोग रहते थे, वो लोग क्या करते थे, मान लीजिए जंगल पूरा पार्ट है तो कभी यहाँ पर क्या करते थे, 1 साल यहाँ पर खेती करते थे। कैसे करते थे, सबसे पहले यहाँ पर पूरा साफ कर देते थे, फिर उसको हल से जोत देते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे आग लगा के अपना कुछ सामान बो देते थे, मान लीजिए गेहूँ बो दिए, फिर जब 1 साल में गेहूँ काट के यहाँ से हट जाते थे, बेसिकली 6 महीने में काट के हट जाते थे, फिर जाते थे जंगल के दूसरे कोने में, या हमेशा कभी यहाँ खेती करते थे फिर कभी जंगल के इस पार्ट में खेती करते थे और फिर जंगल के अलग अलग पार्ट में। ऐसा इसलिए करते थे, ये जब सोचते थे ये सब क्या है, जंगल जो है भगवान का एक पार्ट है, इसलिए हमें कोई भी पार्ट में अगर हमेशा रहेंगे तो उसका क्या, उसका क्वालिटी भी खराब हो जाएगी और उसका थोड़ा कमी यूज करते थे। तो कुल मिला जुला कर झूम खेती में कभी यहाँ कभी वहाँ खोती करते थे, किसमें, अपने जंगल में, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसान, आप लोग समझ में आ रखने, हाँ ना बोलिए, हाँ। और इसी को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब भैया कभी यहाँ कभी इस खेत में खेती कर लिया, फिर कभी जंगल के इस पार्ट में खेती कर लिया, या हमेशा कहाँ पे काम करते थे, या जंगल में ही काम करते थे, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि इसी में से कुछ ऐसे भी थे जो केवल हंटर थे और गैदर थे, मतलब हंटर मतलब कि वही कुछ लोग करते थे जंगल में शिकार करते थे, कि शिकार करके अपना खाना खाते थे। कुल मिला जुला कर ये लोग वही ट्राइबल्स ही थे, हंटिंग करते थे। और मान लीजिए जैसे कि देखिए इस फिगर में दिख रहा कि मान लीजिए कुछ अपना पत्ते उत्ते उगा लेते थे, फिर क्या करते थे, ले जाके शहर में कुछ पैसा इनको मिल जाता था। ये जैसे ये जो पहले ज़माने में जब शादी ब्याह में खाना बनता था तो इसी पत्ते में, अगर जो लोग गाँव में रहते नहीं पत्री में खाना खिलाया जाता है तो इसलिए बेच देते थे अपने शहर में, शहर वाले का भी काम चल जाता था, ये लोग भी काम कर जाता। और एक पौधा होता है महुआ, तो महुआ जो गांव में तो समझते होंगे, महुआ जैसे ना आम होता है उसी तरह एक महुआ प्लांट होता है, जिसका ये लोग भी इसको भी बेच बेच कर थोड़ा मोड़ा पैसा अर्न करते थे और अपना जीवन का निर्वहन करते थे। तो कुल मिला जुला कर ये लोग ट्राइबल्स क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, बेसिकली अपने जीवन को यापन करने के लिए जंगल जाते थे, वहाँ से कुछ मान लीजिए कुछ प्लांट्स लेते आए, कुछ फल लेकर आए और ला के शहर में बेच देते थे और क्या अपने जीवन का निर्वहन करते थे। मान लीजिए
किसी के पास मान लीजिए गेहूँ है, मान लीजिए वीट है, लेकिन उसके पास क्या चावल नहीं है, तो क्या करते थे, कहते थे भैया गेहूँ आप हमसे गेहूँ ले लीजिए और हमसे क्या करिए आप चावल दे दीजिए, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करके काम करते थे। तो कुल मिला जुला कर इन लोगों का यही नज़रिया था। देखिए कुछ हमें बताया गया कि देखिए अलग अलग देश में, जैसे मान जम्मू कश्मीर में गुर्जर रहते थे, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में भूतिया रहते, इसी प्रकार हमें अलग अलग दिया। ये सब हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ट्राइबल्स क्या क्या करते थे। और उसी में से कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स थे जो थोड़ा मोटा जानवर पालते, जैसे गाय पाल लिए थे, गाय पाल लेते थे, और क्या बकरी पाल लेते थे, गोट्स, ठीक है, उसका दूध निकाल के शहर में ले जाके बेचते थे और कुछ पैसा अर्न करते थे जिससे उनका जीवन भी चले। तो कुल मिला जुला कर तीन तरीके सामने देख लिया। कुछ लोग भैया झूम खेती करते थे, घूम फिर कर खेती करते थे। कुछ लोग सोचते थे हम लोग क्या करते हैं, जंगल के कुछ सामान ले जाकर शहर में बेचेंगे और क्या करेंगे उससे अपना पेट पालेंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जो जानवर को भी जब पाल लेते थे। तो तीन प्रकार का हमने पढ़ लिया, समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, बोलिए, बहुत आसान है। तो बच्चों एक हमारा लास्ट आता है जिसमें आता है सम टूक सेटल कल्टीवेशन। तो भैया कुछ ऐसे लोग थे सोचते थे जाने दीजिए हम क्यों बार बार जंगल पर घूमें, हम क्या करते हैं एक ऐसा फिक्स कर लेते इतना लैंड में हम लोग अपना बोएंगे और यहीं पर घर बना लेते थे और यहाँ पर रहते भी थे और यहाँ पर अपना सामान बोते थे और कुछ जितना भी उनका अनाज उगता था वहाँ पर रख भी देते थे। तो कुल मिला जुला कर ये लोग एक ही जगह रह के करते थे। ये लोग बेसिकली 19th century मतलब 1900 के आसपास लगभग ये लोग करते थे। अच्छा ठीक है, अब तो हमने देख लिया भैया कैसे ये लोग रहते हैं। अब बात आती है कि भैया जब अंग्रेज आए तो उनका जीवन में क्या इफेक्ट हुआ, कॉलोनियल रूल जब आया यानी बेसिकली जब अंग्रेज आए तो भैया ट्राइबल का क्या हुआ। तो जैसा कि हम लोग जैसे मूवी में नहीं देखते हैं कि ट्राइबल्स का एक मुखिया होता था यानी लीडर जो होता था, तो सबसे पहली बात आती है भैया उन लीडरों के साथ क्या हुआ। तो देखिए ब्रिटिशर तो बहुत ही चालाक थे, हम लोग शोरूम से देख रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सबसे पहले जो है ट्राइबल्स चीफ को पकड़ते थे, कहते देखिए अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको आपकी ज़मीन भी देंगे और आपको जिस तरह मन तरीके से सारा काम करिएगा, लेकिन आपको कम से कम हमें टैक्स देना पड़ेगा यानी रेवेन्यू तो देना ही देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे चीफ थे ट्राइबल्स को राजी हो जाते थे, क्यों, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी पहले से कमजोर रहते थे, लेकिन कुछ राजी भी नहीं होते थे, क्यों, क्योंकि सोचते भैया ये जो जितने भी हमारे जंगल की प्रॉपर्टी है ये जंगल की प्रॉपर्टी किसने दिया यार, जंगल की प्रॉपर्टी बेसिकली भगवान ने दिया है तो हम इसको किसी को नहीं देंगे। तो इस कारण अंग्रेज क्या करते थे इनको जान से मार देते थे या ऐसा कहते थे इनको भगा देते थे, क्यों, क्योंकि हम लोग तो जान ही रहे भैया इनके पास तो पावर थी ही, ब्रिटिशर के पास कई इनके पास सैनिक रहते थे। ठीक है, ये तो बात हुई चीफ के मुखिया के बारे में। अब हम भैया बात कर लेते हैं द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनके साथ क्या हुआ। तो उनके साथ देखिए ब्रिटिशर चाहते थे जो जितने भी झूम खेती ना करें। अच्छा मान लीजिए जो अगर बार बार कहीं इधर कूद रहे हैं कहीं उधर कूद रहे हैं तो इससे इनको भी नुकसान होता था। क्यों नुकसान होता था, पहले तो बात की ये लोग टैक्स ही नहीं देते थे, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थे कभी यहाँ पे कहते हैं कि फिर भाग जाते थे दूसरी जगह, तो अंग्रेजों को पकड़ने में बहुत परेशानी होती थी। और दूसरी बात ये लोग टैक्स वैक्स देते ही नहीं थे, ठीक है। और तीसरी बात जो अगर मान लीजिए कोई ब्रिटिशर थे कहें, अगर ब्रिटिशर सोचते थे भैया देखिए मान लीजिए इस जंगल में इस पेड़ को ही माला काटना था, तो ट्राइबल्स क्या करते थे ये लोग जाने छोटे छोटे पेड़ अगर ब्रिटिशर लगाते थे, अच्छा प्लांटेशन मतलब कि कुछ ऐसा पेड़ लगाते थे जो कि लंबा लंबा हो, जैसे हम लोग सफेदा जानते हैं या यूकेलिप्टस, तो उसको ये सब क्या करते थे सब साफ करके वहाँ पे खेती करने लगते थे। तो ब्रिटिशर ऐसे बहुत ही गुस्सा आ जाते थे। तो कुल मिला जुला के इनको हटाने के लिए क्या करते थे, हाँ मार करके या मार मार के इनको भगा देते थे और इनकी फसल भी नष्ट कर देते थे। तो झूम कल्टीवेशन के साथ नहीं तो कहते थे कि चलिए आप लोग झूम कल्टीवेशन मत करिए, हम आपको इतना लैंड अलाट कर देते हैं इसी में आप लोग खेती करिएगी, इससे बाहर अगर आप लोग खेती किए तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो कुल मिला जुला झूम खेती वालों को भी इन्होंने नष्ट कर दिया और कहें भैया देखिए अगर आपको यहाँ पर रहना है तो हमारे बात को सहना पड़ेगा या हमारे नियम को मानना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा एक और बात आता है कि इसके बाद इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट ला दिए। देखिए क्या लाएँ कि भैया देखिए सबको ज़मीन फिक्स कर दी जाएगी, सबको इतने में काम करना है। दूसरी बात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जहाँ पर मान लीजिए हम लोग प्लांट नए नए प्लांट लगाना है तो वहाँ पर जाकर क्या नाम से खेती करे और हमारे पौधों को नुकसान पहुँचा। और तीसरा बात ये भी कर दिए कि भैया जितनी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन चाहे झूम कल्टीवेशन है सबको बंद कर दिया जाए। और चौथी बात की है भैया देखिए आप लोगों को टैक्स हमें देना ही देना पड़ेगा। कुल मिला जुला कर इनके पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। लेकिन हम तो जान ही रहे थे ये लोग क्या मानते थे, भैया देखिए
ये जितने भी हमारे जंगल हो किसका देन हो, भगवान का देन, तो इसलिए ये सब क्या ये सब विद्रोह करना धीरे धीरे शुरू कर दिए। वैसे इनको बहुत परेशान करते थे, ठीक है, तो जंगल से बाहर भगा देते थे। और देखिए अब द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, देखिए ब्रिटिशर को क्या दिक्कत होने लगी, जो ब्रिटिशर सोचते थे भैया हम लोग क्या करते हैं ट्राइबल्स के साथ मिल जाते हैं, मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन ट्राइबल्स सोचते थे भैया देखिए हम क्यों किसी का काम करें। तो इसी कारण इनका क्या हुआ, जितने भी सिल्क थे और सिल्क ग्रोथ था वो सब यूरोपियन मार्केट में तो बहुत हाई डिमांड में था। क्यों? क्योंकि उस समय ज़्यादातर मेन सप्लायर कौन था, इंग्लैंड ही था। इंग्लैंड बार बार जाके ज़्यादातर कंट्री तो काबू में किया था, तो सभी जगह से पहुँचाता था। इसलिए क्या किया इंग्लैंड, सोचा था इंडिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क मिले। और ये लोग करते क्या थे, 300 रुपये, देखिए यहाँ पर मेंशन किया, 300 रुपये और 4 रुपये में खरीद देते थे भैया, और इसको 10 गुना 5 गुना 3 रुपये खरीद के 30 रुपये में बेच देते थे। तो उस समय ये बहुत महंगा था, ठीक है, 3 रुपये उस समय का बहुत ज़्यादा था, फिर 30 रुपये में बेचते थे। तो इससे जो है ट्राइबल बहुत परेशान होते थे, कहते थे भैया हम सब मेहनत कर रहे हैं और हमारा ये सब मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बात तो हमने देख लिया कि हाँ वो लोग कैसे परेशान करते थे कि जो सिल्क उल्क उगाते थे उनको भी अच्छा पैसा नहीं देते थे। और हमारी एक बात आ जाती है सर्च अपर, तो इससे जब सब ट्राइबल्स परेशान हो गए, सभी जंगल उंगल से भाग गए, भगा देते थे, तो भैया सर्च करने के लिए कभी कोयला खदान में, जैसे कि यहाँ फिगर दिख रहा है कैसे लोग मतलब कोयला ढूंढ रहे हैं और कोयला को खन रहे हैं, तो कुल मिला जो इनके पूरे लाइफ को भी ये लोगों को धीरे धीरे नुकसान पहुँचाना, बहुत नुकसान पहुँचाया। तो ठीक है, तो देखिए ऐसा हमने देखा भैया कैसे इन लोगों को बेसिकली परेशान किया जाता था। अब हम लास्ट बात आ जाते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पर दिया भैया, जो बिरसा मुंडा था आपका, इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, या 1817 में ये जन्मे थे। और इन्होंने बेसिकली जो है ट्राइबल्स, यानी जो आपके ट्राइबल्स यहाँ जंगल में रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। ये जो कहते थे, सबसे पहले इनके हम लोग कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग में इनके पिता जो थे बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तो ये लोग बेसिकली किस फैमिली से, देखिए मैंने स्टार्टिंग बताया मुंडा फैमिली से थे, ठीक है। ये सबसे पहले इन्होंने नॉलेज के लिए स्कूल भी गए, मिशनरी स्कूल गए, फिर वैष्णव स्कूल गए, फिर इन्होंने कुछ समय बाद कहा देखिए जितने भी हमारी मान लीजिए लैंड है या जितने भी हमारे जंगल है वो सब क्या है, वो सब भगवान की देन है, हमें कोई भी इसे काबू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, कोई भी सब चीज़ें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सोचते थे कोई भी कब्जा नहीं करना चाहता, और ये ब्रिटिशर को क्या मानते थे, ब्रिटिशर को एक डाकू की तरह मानते थे जो इनकी सारी चीज़ें क्या हड़प रहे हैं। तो बिरसा मुंडा बहुत गुस्सा रहता था, और बिरसा मुंडा चाहता था कि सभी लोग एक साथ मिल के इन लोगों का विद्रोह करें और इनको हरा कर बाहर भगाएं। लेकिन जान नहीं रहे हैं कि इंडिया में तो फूट वैसे भी उस समय थी, तो कुल मिला जुला कर ये लोग ब्रिटिशर को एक बात और एक बात, और रावण भी मानते थे, रावण जानते हैं, हाँ रावण भी मानते थे। तो कुल मिला जुला कर ये बिरसा मुंडा के बारे में था। तो देखिए बस यही हमारा चैप्टर बेसिकली था, अगर आप लोगों ने ध्यान बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो सारा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पूछ ले, ठीक है। अगर यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको दे दूँगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए धन्यवाद।